हाय गाइस, आई होप ऑल यू डूइंग फाइन। तो आज थोड़ा मैं जा रहा हूँ, एक फर्नीचर मार्केट है उस तरफ जाना था। एक बेड लेना था और कुछ और चीज़ें थी, रूम के लिए, अपार्टमेंट के लिए, तो उसी लिए निकल रहे हैं। तो ये चल रहे हैं उसी साइड पे, ये हमारे घर से निकलता रास्ता इस साइड पर मार्केट की तरफ। तो आज फिर काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी शाइनिंग है हर तरफ सन की वजह से। और तकरीबन अब लॉकडाउन और नरम किया है अब इन आवज मंडे से इन्होंने, तो काफ़ी बेटर है सिचुएशन अभी। तो आज काफ़ी स्टोर्स खोले हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जैसे उन्होंने 11th को कुछ खोलेंगे, तो आज बड़े स्टोर भी खोल दिए हैं ये फर्नीचर के, या और कुछ इस तरह के, इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टोर जो थे। तो लेकिन कुछ अभी हैं जिनमें मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स, तो ये अभी नहीं खोले। अब होप फॉर द बेस्ट, मे बी नेक्स्ट वीक को खोल दें या 25th मई को सुन रहे हैं खोलने का, तो देखते हैं। तो अब ये जो रोड है, ये जो स्टोर है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही है। तो नॉर्मली ये रास्ता हम यूज़ करते हैं एयरपोर्ट के लिए भी और स्टोर में जाने के लिए भी। तो आज खासा अच्छा दिन शाइन है, आज फुल सनशाइन है। तो इतना खास कोई नहीं है, ट्रैफिक रोड से तकरीबन क्लियर है। नॉर्मल जो है वो प्लीस माउंटेन्स से भरा हुआ है, हर जगह पे माउंटेन ही है। अगर आप आइलैंड में चले जाओ वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है माउंटेन है। तो अभी ये साथ में जो ट्रैक है मेरी लेफ्ट साइड पे, ये मेट्रो का ट्रैक है जहाँ पे मेट्रो भी चल रही होती है और ये इनका नेशनल हाईवे है। तो ये तकरीबन साथ ही अब पहुँच चुके हैं मार्केट और ये साथ एयरपोर्ट है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे मार्केट पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से कुछ फर्नीचर मार्केट है, यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद। तो काफ़ी विंड है इधर, तो ये है वो स्टोर, यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा स्टोर है ये, ट्रिपल स्टोरी आप कह सकते हैं इसको। घर के होम होल्ड के लिए आपको हर किस्म की चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। ये अच्छे सोफ़े पड़े हुए हैं, हर डिज़ाइन के जो लेटेस्ट हैं, प्लेट्स, हर चीज़, जो आप एक रिलेटेड हों घर से वो आपको यहाँ से मिल जाएगी उसकी। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ ये ख़रीदने का, अपने एक रूम में सेटिंग करने के लिए चीज़ें ले रहा हूँ, या ये लूँगा और या ये बलून टाइप। तो आज तो बेड ख़रीदने के लिए आया था मैं, तो अभी बेड देखते हैं। तो गाइस ये बेड मैंने सेलेक्ट किया है, तो कंफर्टेबल नज़र लगा मुझे और मैंने यही लिया है। तो मैंने कहा चलो आपसे भी थोड़ा शेयर कर देते हैं। तो ये अब हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं डाउन स्टोर में, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आज काफ़ी लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से हम क्लियर करके ये बाहर आ गए हैं, एग्जिट हो गए हैं। तो आज काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मुझे काफ़ी, मैं थक चुका हूँ। तीन घंटे से हम अंदर थे, शॉपिंग कर रहे थे, चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे, बड़ा मुश्किल सा था सेटअप। काफ़ी मुश्किल से सिलेक्शन की। तो अब ऑन द वे बैक होम, इतनी थकावट हो चुकी है आज, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं की। एक बेड लिया और कुछ किचन का मटेरियल था वो लिया, तो मैंने कहा बाकी शॉपिंग फिर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि आज लेग्स थक चुकी हैं काफ़ी और काफ़ी देर के बाद इतना चले हैं, तो इसलिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था शॉपिंग करना।
तो स्टीव भी बेचारा थक गया था साथ मेरे, तो मैंने कहा इससे बेटर है चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, सामने सेंटर नज़र आ रहा है, अब हिल से नीचे उतर रहे हैं हम, तो वो काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू है। मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं आपके साथ थोड़ा। तो भूख भी काफ़ी लग चुकी है मैम, मैंने कहा स्टीव को यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर किया है फास्ट फूड का, तो घर चल के खाते हैं। तो गाइस टेक केयर योर सेल्फ, तो सी यू सून, हैव अ हैप्पी डे, बाय।